हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमस एकेडमी। आज मॉर्निंग में हमारे पास न्यूज़ आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है आज के हियरिंग में वर्डिक्ट दे दिया है कि जो CGL और CHSL पे जो केस चल रहा था, CBI ने जो जांच करी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए ये डिसीजन दिया है कि अभी रिजल्ट SSC जो है नहीं निकाल सकती। ये बहुत ही बड़ी जीत मानी जाएगी स्टूडेंट्स की, जो भी प्रोटेस्ट यहाँ पर दिल्ली में स्टूडेंट्स ने करी थी। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्ट क्या रिपोर्ट दी है, क्या वर्डिक्ट दिया है। ये हमारे पास न्यूज़ का स्क्रीनशॉट है। सुप्रीम कोर्ट ने CGL 2017 और SSC CHSL 2017 के रिजल्ट पर लगाई रोक, कहा परीक्षा में नजर आ रही है गड़बड़ी। देखिए, आज की जो हियरिंग थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो CGL 2017 का रिजल्ट है और CHSL 2017 का रिजल्ट है वो किसी भी हालत में अभी आउट नहीं करा जा सकता। जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक वो आउट नहीं करा जा सकता। न्यायालय ने कहा है कि वह SSC परीक्षा घोटाले से लाभान्वित होने वाले लोगों को सेवा में शामिल नहीं होने दे सकती। इसके आगे और देखते हैं इसी न्यूज़ को अपन। ये पूरा अपने पास एक साथ लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अपना केस था वो शांतनु कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया था, तो पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट ने ये मानते हुए एक्सेप्ट करा है कि पूरे केस में, पूरे SSC जो एग्ज़ाम थी उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, तो इस वजह से जो है अब रिजल्ट होल्ड पे रख दिया गया है। ये एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट है, लोग ट्वीट कर रहे हैं, अभी ये काफ़ी फेमस हो रही है ये खबर, तो एक तरीके से बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, ये NDTV की पूरी रिपोर्ट है अपने पास एक साथ। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुडे कॉल्ड द एंटायर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सिस्टम एंड एग्जामिनेशन एज टेंटेड। ये बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो SSC स्टाफ है वो पूरा का पूरा घोटाले में शामिल है। एंड ऑर्डर्ड स्टे ऑन द SSC CGL एंड CHSL 2017 एग्जाम रिजल्ट। वाइल ऑर्डरिंग द स्टे The court said it can't permit people benefiting from SSC exam scheme to get into service। जो अपने जस्टिस थे उनमें थे जस्टिस SA बोबडे एंड L नागेश्वरा राव, उन्होंने रिजल्ट के डिक्लेरेशन पे स्टे लगाया है। उन्होंने कहा कि इट कांट बी बिलीव दैट द कस्टडियन ऑफ द एग्जामिनेशन इज इन्वॉल्व इन ऑल दिस फियास्को। तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एग्जाम को संभालने वाले हैं, जो कस्टडियन है, वो खुद ये एग्जाम में घोटाले कर रहे हैं। आगे देखते हैं, द टॉप कोर्ट ऑल्सो पुल्ड अप एडिशनल सोलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी अपेयरिंग फॉर CBI फॉर टेकिंग ए स्टैंड टू डिफेंड द ऑफिशियल ऑफ SSC। ये कह रहे हैं कि जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल थे विक्रमजीत बनर्जी, उन्होंने SSC की साइड ली थी इस केस में, तो जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने उनकी भी खिंचाई करी है कि आप SSC की साइड कैसे ले सकते हो। इट इज सरप्राइज मिस्टर सोलिसिटर, इट इज सरप्राइजिंग दैट यू आर टेकिंग दिस स्टैंड, यू आर अपीयरिंग फॉर CBI एंड यू शुड हैव सेड दैट द एग्जामिनेशन मस्ट बी कैंसिल्ड। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने साफ कहा कि जब आप CBI की तरफ से आते हो तो आपको बोलना चाहिए था कि एग्जाम कैंसिल हो जानी चाहिए, बट आपने SSC की साइड ली, आपने कहा कि CBI की रिपोर्ट में बोला कि SSC सही है, तो ये उन्होंने उनकी भी खिंचाई करी है। जो एडवोकेट अपनी तरफ से बच्चों की तरफ से केस लड़ रहे थे वो थे एडवोकेट प्रशांत भूषण एंड गोविंद जी, उन्होंने इस केस में शुरू से लेकर अंत तक अपना पूरी जी जान लगाई रखी है। ये आगे की पूरी रिपोर्ट है, पूरा इसमें स्टार्टिंग है कि मार्च 5 को जो है सबसे पहले केस स्टार्ट हुआ था, उसके बाद मार्च 8 को हियरिंग आई वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। तो ये एक तरीके से बहुत ही बड़ी जीत मानी जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्वेरीज आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि सर जो जेन्युइन कैंडिडेट्स थे वो रिजल्ट का जो है काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि रिजल्ट लेट आएगा तो उनकी ज्वाइनिंग लेट आएगी, सब कुछ है। वो सारी बात आपकी मानते हैं, बट ये बहुत बड़ी जीत है, आप इसको ये नहीं कह सकते कि आप सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि अगर 5 कैंडिडेट भी ऐसे हैं जो चीटिंग के थ्रू इस एग्ज़ाम में एंटर होते हैं तो वो किसी 5 जेन्युइन बच्चों की सीट्स ले जा रहे हैं, तो ये एक जीत रहेगी। मैं नहीं कहूँगा कि वो सफ़र कर रहे हैं, इट इज़ डेफिनेटली विन फॉर ऑल द जेन्युइन कैंडिडेट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी डाउट हो सुप्रीम कोर्ट के बारे में और कुछ भी जानो रिपोर्ट के बारे में, तो आप हमें कमेंट्स में कहीं भी पूछ सकते हैं, हम आपको डाउट क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, आप इसको शेयर करिए अलग अलग ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, सब जगह इस न्यूज़ को बताइए। ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, जल्द से जल्द सब लोगों को पता लगना चाहिए इस न्यूज़ का। थैंक यू गाइस, जुड़े रहिए नेक्स्ट न्यूज़ के लिए।